मीडिया से बातचीत के दौरान प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि बीजेपी किसान हितैषी सरकार है और हमेशा किसानों के बीच में रही है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के आराम वाले बयान पर तंज कसते हुए कहा कि यह उनके दिल की आवाज है या दिल्ली की। साथ ही उन्होंने कहा कि इन दोनों स्थिति में दिग्विजय सिंह सफल रहे। पहले तो ये समझना पड़ेगा ये दिल की आवाज है या दिल्ली की। जो भी हो दोनों स्थिति में दिग्विजय सिंह तो सफल रहे। राहुल बाबा ने तो पहले ही माफी मांगने का कहा था। अब राहुल गांधी की अवहेलना तो संन्यास की ओर ले ही जाती है। हमारे पश्चिम बंगाल के जो भी लोग प्रवासी हैं उनके साथ आज शाम को हम लोग बैठने वाले हैं और मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो अपने स्वजनों से भी कहें कि राष्ट्र की मुख्य धारा में भारतीय जनता पार्टी ही ले जा सकती है, मोदी जी के नेतृत्व में जा सकते हैं, तो आओ हम बंगाल को भी मुख्य धारा में समाहित करें, तिरोहित करें, विकास करें। आज़ादी के बाद से अधिकांश समय 34 साल कॉमरेड कम्युनिस्ट शासन, 10 साल ममता दीदी का, उसके पहले कांग्रेस का, वहाँ कभी भाजपा नहीं रही। और बंगाल जब मैं गया तो वहाँ की हालत को देख के दुख होता था। तो आइए, मैंने कहा है कि आप सब भी इस अभियान में शामिल हों। और मेरी एक बैठक हुई। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।